नैनीताल लेक पर मौजूद हैं और मेरे पीछे का आपको नज़ारा नज़र आ रहा होगा। इस लेक की चर्चा या फिर जो दृश्य आपको नज़र आ रहा है, इसको हर कोई इंजॉय करना चाहता है, इसका आनंद हर कोई लेना चाहता है। और हम खबर करते करते आज यहाँ पर पहुँच गए, तो हमने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से आपको यहाँ का व्यू दिखाएं। और बोट पर बैठ के हमें व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और नैनीताल का ये वही लेक है जो सदियों से विख्यात है, सदियों से जाना जाता है। बहुत सारी मूवीज़ हैं जो नैनीताल में शूट की गई थी बहुत पहले, और अभी भी ये व्यू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। और अगर कम बजट में लोग आना चाहते हैं, कम बजट में आके यहाँ पर पहाड़ियों के बीच में पहाड़ों के वादियों का एंजॉय ले सकते हैं। और बोट पे अगर आप बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं तो भाई साहब जवाब नहीं है, बोट वाले भैया हैं, इनसे कुछ बात करूँगी। अच्छा भैया, नैनीताल लेक इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? क्या कहते हैं, ठंडे मौसम की वजह से। अच्छा, ये नैनीताल लेक यहाँ पर बना कब, कुछ पता है आपको? ये तो ना नेचुरल है, पर 1820 में जब यहाँ अंग्रेज आए ना, तो यहाँ जो पहले जो लोग रहते थे उन्होंने अपने तक सीमित रखा था। और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को बताया, इसलिए बोलते हैं अंग्रेजों ने खोज की इसी, मतलब ये बड़ा बसाया बुसाया नहीं है यहाँ पर, जिसका जो डेवलप है ना वो सब अंग्रेज करके गए। अच्छा, ये सब जितना विकास है वो अंग्रेजों की देन, आप कह रहे हैं? अंग्रेजों की देन, ये तो पहली बार पता चल रहा है शायद हम लोगों को। और अंग्रेजों की तारीफ हम करना पसंद नहीं करते, लेकिन करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है, करके ही ऐसा काम गए। अच्छा, यहाँ पे कितने ज्यादा पैसेंजर आ जाते हैं या फिर श्रद्धालु नैनीताल में लगभग आ जाते हैं महीने में? बहुत आते हैं, मतलब महीने का ये सोच लो, दिन का सोच लो, 8-10 हज़ार लोग रोज आते होंगे। 8-10 हज़ार लोग रोज आते हैं नैनीताल में। अच्छा, कुछ आइडिया है कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर हर जगह के आते हैं, ज्यादातर दिल्ली के आते हैं। वहाँ के उसके नियर डियर जैसे यूपी साइड के। भैया एक बात बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, एक बात बताइए, ज्यादातर लोग उत्तराखंड से या नैनीताल से जाकर के दिल्ली में क्यों काम कर रहे हैं? काम नहीं मिलता ना यहाँ पर, अभी कोई आईटीआई कर लेगा तो यहाँ क्या करेगा, कोई पॉली कर लेगा तो यहाँ क्या करेगा। अच्छा, कोई अच्छा खासा एजुकेटेड बंदा है उसका पास अपना धंधा तो ठीक है, अपना धंधा नहीं है तो फिर क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर इनकम की बात करें तो कितने की इनकम हो जाती होगी? इनकम तो काम पे डिपेंड होता है, जिसका होटल है उसके तो लाखों में इनकम होगी। हाँ। आप लोगों की इनकम महीने में कितनी हो जाती है? हमारे तो हो जाती है 15-20-25-30 तक। अच्छा, घर चल जाता है इतनी महंगाई में? चल जाता है। तो अगर मान लीजिए हम बोट पे बैठे या कोई आके बोट पे बैठना चाहता है तो कितना चार्ज लेते हैं आप? 320 रुपये पर बोट है, 300-400 जो बड़ा राउंड का है जिसमें आप बोट। इसमें आप लोग को फायदा क्या होता है? आधा मिलता है पैसा। अच्छा, और एक बात बताइए, उत्तराखंड में अभी क्या माहौल चल रहा है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कैसा काम कर रही है? कहीं भी काम नहीं करती है यहाँ की गवर्नमेंट, काम नहीं कर रही है। कहाँ की गवर्नमेंट करती है, कहीं की गवर्नमेंट काम करती है। आप लोग खुश नहीं है यहाँ के मुख्यमंत्री से? क्योंकि गवर्नमेंट को बनाने वाले लोग जो है ना वो खुद ही बेवकूफ है। तो देखिए, साफ तौर पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नैनीताल लेक में क्या कुछ नज़ारा है। और भैया ने बोट चलाते चलाते बताया कि यहाँ पर 8-10 हज़ार लोग आते हैं घूमने के लिए। तो ज़िंदगी की इस कसौटी में लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर सुकून का पल लेना चाहते हैं तो आप नैनीताल लेक पर आ सकते हैं। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताइएगा। नैनीताल की जो वादियां हैं वो आपको कैसी लगती है वो भी कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।